नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम चेंज मेकर में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक विशेष शख्सियत हैं। उन मेहमान से मिलाने से पहले आपको बताऊंगा, एक गांव है देश में जखनी, जो कि बुंदेलखंड के बांदा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है। और आज के समय में इस गांव को नीति आयोग ने आदर्श जल ग्राम घोषित किया है। विदेशों में इस गांव की चर्चा है, और आप भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं जखनी। और इस गांव में कैसे कायाकल्प हुआ, उसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उमा शंकर पांडे जी हैं। उमा शंकर जी ने इस पूरे अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ये गाँव के सभी लोगों का है, और बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये अच्छी बात है। उमा शंकर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी उमा शंकर जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि 15 वर्ष पहले जब ये सब का शुरू हुआ, उस समय क्या स्थिति थी? बांदा जिले का बुंदेलखंड के अंतर्गत जखनी गांव है, और उस गांव में 99% नौजवान पलायन कर गया था। गांव की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। हम लोगों ने समुदाय के आधार पर एक प्लान किया कि इस गांव को, अगर ये गांव इसी तरह रहा तो सारे नौजवान ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। हम इस गांव को पानी और किसानी और पलायन रोकने का जो परंपरागत हमारा पुरखों का तरीका है, उस तरीके को अपनाए और इसमें सरकार की सहायता ना लेके समुदाय की सहायता ली जाए। मेरी माताजी, जो मेरी गुरु हैं जल के बारे में कहूँगा, उनकी इच्छा, हार्दिक इच्छा थी कि जखनी गांव, जो हमारा गांव है, इस गांव को राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए, एक उदाहरण के तौर पर लाया जाए। हमने अपने जैसे साथियों इकट्ठा किया और अपने गांव के उत्थान के लिए एक योजना बनाई कि अपने गांव को देश का पहला जलग्राम बनाया जाए। और इसकी प्रेरणा मुझे विज्ञान भवन में 25/5/95 को एक जल पर राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति APJ कलाम साहब आए थे, और उन्होंने कहा था कि गांव में पानी का संकट होगा, हमें गांव को जलग्राम के रूप में विकसित करना होगा। वो नाम मुझे जलग्राम का मिला, और फिर उसका प्रयोग अनुपम मिश्रा जी थे, आज भी खड़े हैं तालाब जिनके, उन्होंने मुझे उसको गाइड किया, और उस विधि को मैंने गांव में प्रयोग किया। और आज जखनी एक जलग्राम के रूप में ही नहीं, उस गाँव के मॉडल पर भारत सरकार ने प्रत्येक ज़िले में 2 जलग्राम बनाए हैं। और जलग्राम का मतलब होता है जहां पानी ना हो किंतु परंपरागत कुएं हों, तालाब हों और जल स्रोत हों, उनको भरा जाए समुदाय के आधार पर। तो एक प्रयास किया है, आज जखनी में अपना पानी है, अपनी प्याज है, अपना गेहूं है, अपना चना है, अपना चावल है, अपना काम है। उमा शंकर जी, ये तो आपने मेरे को बताया जी। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं कि आपने इसमें बिल्कुल परंपरागत तरीकों से इस्तेमाल करके किया, तो मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि ये कायाकल्प हुआ कैसे। हम ऐसा मानते हैं कि सरकार ने जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय पिछले 70 सालों में किए हैं। बांध बनाए, जबकि बांध पानी रोकने का विकल्प नहीं है। नदियां, हमारे देश में परंपरागत नदियां 10,000 से ऊपर हमारे देश में नदियां हैं। हमने ये विचार किया मन में कि ऐसी विधि अपनाई जाए जिसमें कोई प्रशिक्षण की जरूरत ना हो, शिक्षण की जरूरत ना हो, नवीन विज्ञान की जरूरत ना हो, और कोई पढ़ा लिखा प्रशिक्षण की आवश्यकता ना हो। पुरखों ने हमारे, जो हमारे परंपरागत पुरखे थे, उन्होंने एक विधि अपनाई थी। हालांकि आज वो पूरी विधि पूरे देश में जल योद्धा उमाशंकर पांडे के नाम से जानी जाती है। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़, हर खेत पर मेड़ हो और हर मेड़ पर पेड़ हो, लेकिन हमारे पुरखों की विधि थी। और इसे पढ़ा अनपढ़, महिला पुरुष, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के, बगैर किसी प्रशिक्षण के, स्वयं अपना हाथ से फावड़ा उठाए और अपने खेत में मिट्टी डाल दे और पानी रोक ले। तो इस विधि से, हमने जब इस विधि को अपनाया, तो ये विधि एक गाँव से दूसरे गाँव गई, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव गई। और आज भारत में, मैं सरकार की तरफ धन्यवाद दे रहा हूँ इस बात के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के
कोरोना काल के दौरान माननीय जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र सिंह शेखावत जी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने मनरेगा के अंतर्गत करीब 25,000 करोड़ रुपया खेत में मेड़बंदी के नाम पर जल रोकने में खर्च किया और पलायन रुका। मेरी विधि को जो ये मेरी परंपरागत विधि है, आज ये जो मेड़बंदी है, ये गुजरात तेलंगाना उन सूखा प्रभावित राज्यों में पहुंची है जहां पानी रोकने के सारे प्रयास असफल हो गए थे। मेरे साथियों का जो प्रयास था, मैं इसको अपना प्रयास नहीं कहता हूं, मैंने कभी किसी मंच पर यह प्रयास अपना नहीं कहा, क्योंकि इस विधि में हमने एक नया पैसा सरकार से ग्रांट नहीं लिया किसी, ये पानी बचाना हमारा काम है। पानी तो सदियों से सरकार का मुद्दा नहीं रहा है। हमारे देश में लाखों तालाब थे, लगभग 50 लाख तालाब थे आज़ादी के बाद, 1 करोड़ कुएँ थे। अगर एक गाँव में 10 कुएँ माने जाएँ तो मान चलिए 6-7-8 लाख गाँव हमारे भारत में थे, तो इस नाते आप मान के चलिए 60-70 लाख कुएं तो रिकॉर्ड पे थे। अब उन्हें समाज राजाओं के ज़माने में, हमारे ब्रिटिश पीरियड के समय या हमारे अन्य जो इस्लामिक शासन में हमारे भारत में शासन हुआ, उस जमाने में भी तालाब और कुआं बनाने के लिए अनुदान नहीं मिलता था, समाज बनाती थी। तालाब समाज कुएं की रक्षा करती थी, तालाब की रक्षा करती थी, तालाब के किनारे पेड़ लगाती थी, तालाब खोदती थी, कुओं को सुंदर रखती थी, ये समाज का काम था। आज़ादी के बाद हमने तालाब और कुआं के लिए अनुदान देना शुरू कर दिया। जब वो अनुदान दे दिया तो सार्वजनिक जो जलाशय हैं वो प्रधान के हो गए, सरकार के हो गए, तो समाज का मोह भंग हो गया उनसे। हमने ये सोचा कि जो मेड़बंदी की विधि है, एक प्रकृति का नियम है कि वर्षा की बूंदें जहाँ गिरें आप वहीं रोक लो। अगर पानी बरस रहा है किसी खेत में, उसको 20 किलोमीटर बाद लोग के वापस लाना है, तो प्रक्रिया बड़ी हो जाती है। वर्षा बूंदों में एक तरीके जैविक होती है और भूमि के लिए जैविक तत्व जरूरत है, तो खेत का बरसात के पानी से बड़ा गहरा रिश्ता है और हम अपने खेत को उपजाऊ बनाते हैं, उसमें जैविक तत्व मिलते हैं मेड़बंदी से। और जो खेत के ऊपर पेड़ लगाए जाएं, वो पेड़ छोटे पेड़ हों, औषधीय पेड़ हों, उससे अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। जैसे नींबू का पेड़ है, करौंदा का पेड़ है, सहजन का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, ये वो पेड़ हैं जो औषधियाँ भी देते हैं, और उनके पत्ते जब नीचे गिरेंगे खेत में तो जैविक भी प्राप्त होगी, हमें खाद भी प्राप्त होगी। हमने इस उद्देश्य से इस विधि को, जो सर्वमान्य विधि है और प्रमाणित विधि है, और इस विधि में हमें सरकार के किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी, तो इस विधि से हमारे बांदा जिले का जो भूजल स्तर है वो करीब 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ा 5 सालों में, सरकार की रिपोर्ट कहती है। हमारे बुंदेलखंड में जहाँ पानी मालगाड़ी से जाने के लिए लोग ले जाते हों, ऐसे बुंदेलखंड के बांदा जिले में करीब 25 धान सेंटर केंद्र सरकार ने खोले हैं खरीदने के लिए। महोबा में पानी के सरकारी केंद्र धान खरीद है, हमीरपुर में धान खरीद केंद्र है, चित्रकूट में धान खरीद 9 केंद्र। ये वो जगह है जहां पानी नहीं था और मेड़बंदी के कारण, और किसानों ने किया। मुझे तो बड़ी बात ये मानता हूं मैं कि मेड़बंदी को मैं यज्ञ मानता हूं, जैसे आचार्य विनोबा जी का भूदान यज्ञ था, ऐसा ही मेरा मेड़बंदी का यज्ञ है, और इस यज्ञ में किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली है, सरकार ने भी सपोर्ट किया है, जहां सरकार की है सरकार अपना काम कर रही है। हम तो गांव के छोटे लोग हैं, सर्वोदय के लोग हैं, हमारा काम है कि सरकार काम जो कर रही है वो अपना करे, और सरकार का काम बड़े काम करना है और छोटे छोटे काम करना हमारा काम है। अगर कोई व्यायाम करना चाहता है, योग का करना चाहता है, तो मेरा मानना है कि खेत में जाओ, फावड़ा उठाओ, अपनी मिट्टी रखो, पेड़ लगाओ, सबसे बड़ा योगा है, सुबह शाम योगा करो। ये हमारी विधि थी। आज की मैं अगर बात करूं, अब जो स्थिति है, जैसे धान के वहां पर इतने हैं और सबको पता है कि उसमें अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, आपने बोला पलायन होना शुरू हो गया था, क्या अगर मैं पूछूं आज के समय में क्या स्थिति है गाँव में, बच्चे गांव में रुक रहे हैं या बाहर निकलना चाहते हैं, क्या है? नहीं, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छी बात है। ये मेरे इस अभियान में, जल जोड़ो अभियान में, जलग्राम के अभियान में, मेड़बंदी के अभियान में, जिन लड़कों ने पीएचडी किया, जिन लड़कों ने एमकॉम किया, कि एमएससी किया, एमएड किया, बीएड किया, ला किया, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान मेरे गाँव में खेती कर रहे हैं। सूखे गाँव में हमने 2,000 क्विंटल प्याज पैदा की। मेरे गांव में प्राइमरी भी नहीं था, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल, राजकीय हाई स्कूल, इंटर कॉलेज गांव में स्थापित हुआ। सरकार ने
सपोर्ट किया, समुदाय ने सपोर्ट किया, और आज मेरे गांव में पहला माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बननी चाहिए, तो जलग्राम जखनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जखनी में बनाई गई। महिला सात महिला समूह काम कर रहे हैं जखनी में। हमारे यहाँ युवक मंगल दल गठित है, महिला मंगल दल गठित है मेरे गाँव में। मेरे गाँव में वो पानी से हमारे गाँव में फसल पैदा होती है। लोग मानेंगे पानी से कैसे फसल, मछली कहाँ से पैदा होती है, पानी से पैदा होती है। सिंघाड़ा कहाँ से पैदा होता है, पानी से पैदा होता है। आपके मखाना कहाँ से पैदा होता है, पानी से पैदा होता है। आपके मोती कहाँ से होता है, पानी से पैदा होता है। ये पानी की फसल है। पानी से जो फसल पैदा होती है, जैसे धान पान गुड़ गेहूँ, ये पानी की फसल। पानी के द्वारा व्यापार होता है। जैसे आदिकाल से हम पानी से हमने देश खोजे हैं, पानी के नाव में बैठ के सारा बड़ा व्यापार पानी से ही होता है। तो जीवन में मुझे ऐसा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ और मानता हूँ कि जल में ऊर्जा है। बिजली कहाँ है, पानी में है। अमृत कहाँ है, पानी में है। जहर कहाँ है, पानी में है। मिठास कहाँ है, पानी में है। तो पानी का ना कोई रंग है, ना पानी का कोई रूप है, ना पानी का कोई कलर है, ना सुगंध है, लेकिन अगर ये माना जाए जब व्यक्ति पैदा होता है तब वो पानी से नहवाया जाता है, और जब अंत होता है तो पानी से होता है। इसलिए वरुण देवता असली माने में देश में, मैं चूंकि सनातनी परंपरा हमारे देश की परंपरा है, और मैं जय जगत पूरे विश्व के जय की बात करता हूँ, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति वास्तु में देवता किसी को देखना चाहता है और वो सब कुछ चाहता है कि मुझे सिद्धि मिले, प्रसिद्धि मिले, समृद्धि मिले, तो पानी बचाए। और माता, अगर ये माना जाए, हम धर्म से भी जोड़ दें अगर विषय को, हमें धर्म से भी जोड़ना चाहिए, जो जैसे जोड़ते हैं, हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान किसी भी रूप में हो पानी बचना चाहिए। तो माता भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, समुद्र में रहते, पानी में रहते हैं। तो माता लक्ष्मी किनकी सेवा करती हैं, विष्णु जी की सेवा करती हैं। तो जो व्यक्ति पानी की सेवा करेगा उसको माता आएंगी, उनको लक्ष्मी मिलेगी, समृद्धशाली होगा। दूसरी बात, हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, चारों धाम से क्या लाते हैं, बद्रीनाथ से पानी रामेश्वरम ले जाते हैं, पानी से जोड़ते हैं। पानी जोड़ता भी है, और पानी हम जब हम संस्कार में हम हमारा कोई भी संस्कार है बगैर पानी के नहीं होता। पूजा हमारी पानी से ही होती है, मतलब कुछ हो ना हो पर पानी और मिट्टी चाहिए हमको। अमृत कलश क्या है, पानी तो है, अमृत में ही तो पानी है। इसलिए मेरा मानना यह है, नौजवान खासकर आपके जो अपना रेडियो द्वारिका है, ये लाखों नौजवान इसको सुनते हैं, और मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो आने वाली युवा पीढ़ी है, उनको देश को आगे ले जाना है, वही हमारी धरोहर है, और वो हमको सबको संभालेंगे। वो जहाँ हैं, बाथरूम में है तो वहाँ पानी रोको, नहा रहे हो तो कम पानी का इस्तेमाल करो, कपड़े धो रहे हो कम पानी का इस्तेमाल करो, आप सुबह फर्श हो रहे हैं कम पानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें पानी का बजट बनाना होगा। जैसे हम अपने साल भरे का घर का बजट बनाते हैं, पानी का भी बजट होना चाहिए। दूसरी बात ये भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हम अगर अपने जीवन में कुछ भी बचाना चाहते हैं तो पानी बचाएं, क्योंकि जो तृतीय विश्व युद्ध है वो किसी चीज़ के लिए हो ना हो पर पानी के लिए हो सकता है, और दुनिया के कई देश खाली हो गए हैं, पानी नहीं है। हमारे यहाँ 75% पानी समुद्र में है, पीने वाला 2.5% पानी है, उसमें से प्योर मिनरल का पानी 1% बचा हुआ है, और ये बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य बनता है। और जखनी एक उदाहरण है, अभी नीति आयोग ने जखनी को मॉडल गांव माना, और भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय ने ऐसे गांव, हमारे ऐसे प्रयोग को देश के लिए उपयोगी माना है। जल जीवन मिशन में भी हमारे एक प्रयोग को माना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माना है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में हमारे सामुदायिक प्रयास की बात कही है, ट्वीट किया है, और लगभग आज संपूर्ण भारत में समुदाय के आधार पर परंपरागत तरीके से पानी बचाने का काम करने वाला जखनी पहला गांव है, जो हिंदुस्तान के बाहर इसराइल के लोग उसको देखने की बात करते हैं, नेपाल से लोग आते हैं, खासकर दूसरे देशों में, तमाम देशों में, पत्र पत्रिकाओं में जखनी के लगभग 80 देशों में पानी की बात पहुंची है, अभी यूनेस्को ने उसको समझाया जाना है। तो हमको ऐसा लगता है कि हम पानी बचाने के लिए हमको बड़े प्रयास, बड़े किसी का मुंह नहीं ताकना चाहिए, और पानी के लिए इस प्रयास पे नहीं होना चाहिए कि साहब ये बड़ा व्यक्ति आएगा तभी पानी का काम होगा। और पानी को हमको, जैसे हम सदियों से पानी को पूजते रहे हैं, तो पानी को पूजने की ज़रूरत है। पानी पूंजी है हमारी, पानी हमारी पूंजी है, हमारी धरोहर है। अगर हम पानी, लोग तो यहाँ पानीदार बैल को भी कहते हैं, भाई फला बैल पानीदार है,
फला आदमी का पानी उतर गया है, फला आदमी पानीदार है। और बुंदेलखंड में कहावत है कि पानीदार यहाँ का घोड़ा, आग यहाँ के पानी में, और बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की पानी में। तो ये जो पानी का जो है, तो पानी मेरे केवल बुंदेलखंड की बात नहीं, पानी पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, खासकर जिस देश में हूँ मैं, भारत माता जो मैं जिस देश में रहता हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ वंदे मातरम कहता हूँ मैं, तो उस वंदे मातरम के देश में अगर वंदना करना है तो पानी की करो, देश की वंदना हो जाएगी। और पानी के लिए पेड़ लगाओ, तो पेड़ पानी का पुत्र है, और पिता अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देखेगा, पानी मिलेगा। और जो व्यक्ति भी, कोई व्यक्ति कुछ भी पाना चाहता है अपने जीवन में, वो एक अपने मन में प्रतिज्ञा कर ले कि मुझे पानी बचाना है, उसे वो सब प्राप्त हो जाएगा। उमा शंकर जी, हालांकि मैं खुद पानी की वैल्यू समझता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात सुनी और ये 15 मिनट में शायद पानी के बारे में जितना आपने बताया और जितनी चीज़ें बताई, मैं आप मतलब शायद आज के बाद मैं हो सकता है कि पानी जो थोड़ा बहुत भी वेस्ट करता हूँ वो ना करूँ। और मैं अपने व्यूअर्स से निवेदन करूँगा कि ये इंटरव्यू सुने, इसको शेयर भी करें, इसलिए नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाहते, सिर्फ इसलिए शेयर करें कि आप अगर पानी बचाएंगे तो वो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और जैसे कि उमा शंकर जी ने बताया कि पानी बचाना हर लिहाज से ज़रूरी है, चाहे आप इसे धार्मिक उससे जोड़ लें, चाहे किसी भी तरह से जोड़ लें, पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, ये हमारे सौभाग्य की बात है, हमें बहुत मतलब गर्व महसूस हो रहा है इस पे। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं रेडियो द्वारिका को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और मैं खासकर देश की नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूँ, मैं जल योद्धा के रूप में बात नहीं कह रहा, मैं एक आम आदमी के रूप में आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप सब लोग पानी बचाएं और पानी की ही पूजा करें। और अगर आप, मैं दो बातें कहूँगा नौजवान पीढ़ी से, पानी बचाएं और अपनी माँ की सेवा करें, माँ को पूजें, और अपनी माँ को पूजें, अपने पिता की सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, और जो हमारी धरोहर है वो हमारी जो हमारी सरोवर है वो हमारी धरोहर है, कुआं हमारी धरोहर है, इस धरोहर को आप ही बचा सकते हो, आने वाली पीढ़ी बचा सकती है, और सरकार के भरोसे न रहें। पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, पानी बचाना समाज का काम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुवियर, अरे नहीं सर, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आप आए। सुवियर सब, मैं आपसे विदा लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपको विशेष तौर पर बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।